भिलाई नगर निगम परिसर में नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण करने के उपरांत महापौर और सभापति के निर्वाचन को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कांग्रेस के साथ भाजपा के नेता भी महापौर और सभापति के निर्वाचन को लेकर संतुष्ट नजर आए। वहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा भी दोनों दलों के वरिष्ठों के बीच बना रहा। निर्दलीय पार्षदों पर भी सभी की निगाहें टिकी रही। भिलाई नगर निगम के चुनाव में अभी आज गुरुवार को सभी 70 वार्डों के पार्षदों की शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी 70 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अभी चूँकि कुछ देर बाद ही भिलाई के नगर निगम के नए महापौर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के पास शहर सरकार बनाने पर्याप्त मात्रा में पार्षद है। आंकड़े पार्षदों महापौर बनाने में जो आंकड़ों की जरूरत है वो पर्याप्त संख्या में है। निर्दलियों की भी कुछ अपनी अलग रणनीति निर्दलियों द्वारा भी बनाई जा रही है और भाजपा का भी पूरी तरह से यह प्रयास है कि उनके द्वारा महापौर बनाया जाए। उसमें एक नया नाम सामने आ रहा है और निर्दलीय पार्षदों की बैठक भी कल रात को संपन्न हुई थी। इसमें भी कुछ किसी तरह की रणनीति बनाई गई महापौर और सभापति के चुनाव को लेकर। हालांकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा सभी पार्षदों से 1-to-1 निजी रूप से सभी पार्षदों से चर्चा की गई। अब हालांकि कांग्रेस को महापौर बनाने किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से वो पार करते नज़र आ रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भिलाई शहर सरकार में कांग्रेस का महापौर बनता है या कि भाजपा का। हालांकि आंकड़े के गड़बड़ाने की किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। वोटिंग की संख्या में अगर क्रॉस वोटिंग किसी तरह से होती भी है अगर महापौर बनाने की प्रक्रिया में, उसके बाद भी कांग्रेस का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।